नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि एवं लौह पुरुष व भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार को अंचल के सभी विकास खंड मुख्यालयों पर मनाया गया। जिलाध्यक्ष सुनील राम की अध्यक्षता एवं प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रभारी वीरेंद्र चौधरी की मौजूदगी में रोडवेज परिसर में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक AICC के सदस्य अमिताभ अनिल दुबे, शहर अध्यक्ष सुनील साहू, पूर्व जिला अध्यक्ष मार्कंडे सिंह, पूर्व प्रदेश सचिव रविकांत राय, अशोक राय आदि मौजूद रहे। करीमुद्दीनपुर थाना पुलिस को शुक्रवार की रात सफलता मिली। उसने लट्ठू डी पुलिया के पास से IS-191 मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के आदेशानुसार और CO मोहम्मदाबाद निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्र में रात में पुलिस टीम के साथ चक्रमण कर रहा था। इसी दौरान करीब 10 बजे लट्ठू डी पुलिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। उसे रुकने का इशारा किया गया तो भागते हुए फायरिंग कर लिया। पुलिस ने अपने को सुरक्षित रखते हुए उसे धर दबोचा। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, उसकी नली में फंसा कारतूस और जेब से कारतूस बरामद किया गया। उसके पास मौजूद झोले से 2 किलो गांजा बरामद किया गया। जांच पड़ताल में पता चला कि वो मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य थाना क्षेत्र के महेंद्र गांव निवासी तुफैल खान है। संबंधित धाराओं में चालान करके उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक भूपेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल राम नरेश यादव, कांस्टेबल अवधेश तिवारी, कांस्टेबल नागेंद्र प्रसाद और कांस्टेबल शिव विजय सिंह शामिल थे। नंदगंज थाना क्षेत्र के सिहोरी ग्राम सभा के ताल के पास नंदगंज शादियाबाद मार्ग पर ब्रह्म प्रभा स्थान के पास शनिवार की सुबह करीब 40 वर्षीय एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के गले में दुपट्टा बंधा हुआ था। इससे लोग हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि महिला शादीशुदा है, मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ी, पैर में पायल तथा काले रंग का समीज सलवार पहनी थी। महिला के गले में दुपट्टा कसा हुआ था। इससे प्रतीत हो रहा है कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। गले पर गहरा निशान मौजूद है। बताया कि शव का पंचनामा कर जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही शव की पहचान के लिए शव का फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया ताकि जल्द से जल्द शव की पहचान हो सके। शनिवार को अचानक जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह सदर कोतवाल पहुंचे। महिला हेल्प डेस्क का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मौजूद फरियादियों से बातचीत करते हुए उनकी समस्या को जाना। इसके बाद संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा कि यहां आने वाले फरियादियों की समस्याओं का गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उसका निस्तारण कराया जाएगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इस मौके पर कोतवाल विमल मिश्रा सहित महिला पुलिस अधिकारी कर्मी आदि मौजूद रहे। जनपद में शनिवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी MP सिंह एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह पुलिस कार्यालय से शहर कोतवाल तक अखंडता दिवस पर पुलिस विभाग के फ्लैग मार्च में शामिल हुए। इस मौके पर SP ने कहा कि आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इस अवसर पर जनपद में राष्ट्रीय एकता फ्लैग मार्च आयोजित किया गया है। इसके माध्यम से राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए सभी लोग जागरूक हों और एक साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने का संदेश दिया। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने विकास भवन सभागार में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं देश के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों और सहयोग को याद दिलाते हुए कहा कि पटेल जी का पूरा जीवन दर्शन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में है, जो सदैव अनुकरणीय है। तत्पश्चात उन्होंने जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण तथा वृद्धाश्रम महुआबाग में वृद्धजनों में भोजन का वितरण किया। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।